रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एक बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल शहर की 30 से 35 अधिक पॉश वे कॉलोनियां हैं जिनमें मकान बनाना तो दूर जमीन खरीदने के बारे में भी गरीब सोच नहीं सकता, जिसके तहत कलेक्टर ने उन्हें जमीन दिलाने की बात कही। इसके लिए बकायदा लिस्ट भी तैयार कर ली गई है और 750 से 800 प्लॉट देने की शुरुआत भी होने लगी है। शहर में रहने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों को आने वाले दिनों में 30 से अधिक पॉश कॉलोनियों में प्लॉट मिल सकेंगे। यह वो कॉलोनियां हैं जिनको दूर से देखकर ही समाज का कमजोर वर्ग निकल जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों ने शहर की करीब 30 से 35 कॉलोनियों में सर्वे अप्रैल महीने में किया। करीब 750 से 800 तक ऐसे प्लॉट इन कॉलोनियों में हैं निकले हैं जो लंबे समय से खाली है और अब तक ये सभी प्लॉट कॉलोनाइजर के पास ही है। इसके बाद अधिकारियों ने शहर में पिछले 20 साल में बनी सभी कॉलोनियों में इस बात की जानकारी निकालने के काम शुरू कर दिया है। साथ ही जल्द ही कमजोर वर्ग के लोगों को यह जमीन दिलाने उनके आवास का सपना पूरा करवाएगा। एक बड़ा निर्णय लिया है आपने कॉलोनाइजर के, उसमें कॉलोनी के अंदर जो गरीबों के नाम के जो भूखंड थे जो किसी तरीके से आवंटित नहीं हुए, कुल ऐसे कितने भूखंड और कितने कॉलोनी और किस तरीके से किस प्रक्रिया के अंतर्गत वो वापस अब गरीबों को दिए जाएंगे? देखिए, शहरी क्षेत्र में आवास एक बड़ी समस्या है और इस बारे में मुख्यमंत्री धारणाधिकार जो आवासीय योजना है, शहरी आवासीय योजना, उसमें भी प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति का 2014 के पहले कब्जा हो तो पट्टे दिए जाते हैं। ये तो उन लोगों के लिए हुआ जो झुग्गी झोपड़ी में या निम्न श्रेणी के मकान बना के रहते हैं और उनको आवासीय पट्टा मिलेगा। उस योजना पर काम चल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि विगत 30 वर्षों में जितनी आवासीय कॉलोनियां विकसित हुई हैं, पहले यह प्रावधान था कि उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए प्लॉट आरक्षित होने थे और ये प्लॉट कलेक्टर से अनुमोदन के पश्चात आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को ही एक नियत राशि पर देना था। मेरे संज्ञान में बात आया कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में प्लॉट खाली पड़े हैं और या तो कॉलोनाइजर ने उसमें पहल नहीं की या कलेक्टर कार्यालय से अनुमोदन नहीं हुआ। तो हमने ऐसे 30 कॉलोनियों की लगभग सूची बनाई है और ऐसे 800 प्लॉट मिले हैं जो कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षित हैं आज की तारीख में। अब अगला हमारा जो उद्देश्य ये है कि उन 800 प्लॉट को कमज़ोर निम्न वर्ग के लोगों के लिए, निम्न आय के लोगों के लिए उस प्लॉट को प्रक्रिया का पालन करके दिया जाए और हमने ये लक्ष्य रखा है कि आगामी एक माह में हम अभियान चलाकर ऐसे प्लॉट्स को शहर के जो रहने वाले गरीब लोग हैं या निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको आवंटित करेंगे, जिससे कि उनका भी अपने घर का सपना साकार हो सके। तो एक तरह से समझिए कि जिला प्रशासन इन दोनों बिंदुओं पर काम कर रहा है कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको मालिकाना हक मिल रहा है, इसके अलावा वैसे लोग हैं जिनकी आय बहुत कम है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते घर खरीदना, उनको इस माध्यम से हम प्लॉट देकर उनके लिए घर का सपना साकार करेंगे। और ऐसा पॉलिसी नहीं है।